अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के विराजमान होने के बाद देश भर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश और दुनिया में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले राम भक्तों ने अपनी अपनी क्षमता और आस्था के मुताबिक दान किया है, जिसके चलते अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले ही 4 दिन में राम मंदिर को करीब 3 अरब 17 करोड़ रुपए का दान मिला है। ऐसे में आइए जानते हैं राम मंदिर में सबसे ज्यादा दान किसने किया है और राम मंदिर को अब तक कितना दान मिल चुका है और आने वाले समय में अयोध्या किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी। अगर आप भी सोच रहे हैं कि राम मंदिर के लिए अडानी, अंबानी या फिर टाटा समूह जैसे बड़े उद्योगपति ने सबसे ज्यादा दान किया है तो आप बिल्कुल गलत है। देश भर के करोड़ों लोगों, सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन, साधु संतों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए दान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सूरत के रहने वाले कारोबारी ने मंदिर के लिए 101 किलो सोने का दान किया है। डायमंड बिजनेस से ताल्लुक रखने वाले दिलीप कुमार ने राम मंदिर को सबसे बड़ा दान किया है। दिलीप कुमार ने मंदिर ट्रस्ट को 101 किलो सोने का दान किया है, जिसका इस्तेमाल गर्भगृह के सोने के द्वार, स्तंभों आदि में किया गया है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो मौजूदा वक्त में 10 किलोग्राम सोने की कीमत 68,000 के करीब है। ऐसे में दिलीप ने करीब 68 करोड़ रुपए का दान किया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर वो शख्स है जो खुद को फकीर बताते हैं, लेकिन राम मंदिर के लिए खुलकर दान किया है। हम बात करें हैं गुरु मुरारी बापू की, जिन्होंने राम मंदिर के लिए 68 अरब रुपए का दान किया है। मुरारी ट्रस्ट के मुताबिक मुरारी बापू वो पहले शख्स है जिन्होंने अभी तक इतनी बड़ी रकम दी है। इसके अलावा मंदिर निर्माण के लिए बॉलीवुड से लेकर साउथ के एक्ट्रेस ने भी दान किया है, जिसमें अक्षय कुमार, पवन कल्याण, गुरमीत चौधरी समेत कई सेलिब्रिटी शामिल हैं। साउथ के फेमस एक्टर पवन कल्याण ने मंदिर के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए का दान किया है। मुकेश खन्ना ने मंदिर के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का दान किया। परिणीति सुभाष ने 1 करोड़ रुपए का दान किया, लेकिन हेमा मालिनी, गुरमीत चौधरी, मनोज जोशी ने रकम का खुलासा नहीं किया था। आपको बता दें, राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की वजह से सिर्फ राम मंदिर नहीं बल्कि अयोध्या और पूरे यूपी को बड़ा फायदा होने जा रहा है। अयोध्या धाम में लाखों भक्तों की भीड़ को देखते हुए कई देशी और विदेशी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अयोध्या आने वाले समय में न सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि करने जा रही है बल्कि प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाई तक लेकर जाएगी। वहीं राम मंदिर, सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। हाल ही में एसबीआई रिसर्च ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि राम मंदिर और अन्य पर्यटन केंद्र गतिविधियों के कारण उत्तर प्रदेश को 2024 से 2025 में 25,000 करोड़ टैक्स का कलेक्शन की उम्मीद है। दोस्तों, देश और दुनिया की ऐसी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।